हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैरी एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश क्लास फोर्थ लेसन एट, और लेसन का नाम है डोरोथी एंड द स्केयरक्रो। ओके, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि हम लोग इस लेसन के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। हियर अ गर्ल कॉल्ड डोरोथी लिव्ड इन अ स्मॉल वुडन हाउस इन द ग्रासलैंड ऑफ कैनसास यूएसए। यानी एक लड़की थी जिसका नाम डोरोथी था, वो बेसिकली एक छोटे से लकड़ी के घर में रहती थी। कहाँ पे रहती थी? ग्रासलैंड ऑफ कैनसास में रहती थी, जो कि यूएसए मतलब अमेरिका में है। ठीक है। वन डे, एक दिन, अ बिग स्टॉर्म कैरिड अवे हर हाउस वाइल सी एंड हर डॉग टोटो वर इन इट। एक दिन क्या हुआ, काफी तेजी से एक तूफान आया और उसके घर को उड़ाकर क्या किया, एक स्थान से दूसरे स्थान लेके चला गया, जिसमें वो लड़की डोरोथी भी थी और उसके साथ एक डॉग यानी कुत्ता था जिसका नाम टोटो था, उसमें दोनों थे। ठीक है। हर हाउस लैंडेड इन अ स्ट्रेंज प्लेस, यानी जो उसके घर मतलब जो उसका छोटा सा घर था लकड़ी का, वो उड़कर एक दूसरे जगह चला गया और वहां पे गिर गया, मतलब लैंडेड हो गया। डोरोथी सॉ सम पीपल कमिंग हर वे, यानी डोरोथी वहां पर देखती है कि कुछ लोग उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। दे वर एडल्ट बट ओनली एज टॉल एज हर, वे अडल्ट थे लेकिन वो बेसिकली इतने जितने बड़ी डोरोथी थी उसने ही बड़े शायद वो भी लोग थे। ठीक है। दिस साइड वे कहते हैं कि दैट दे वर इन द मंचकिंस एंड दिस वाज देयर लैंड्स। ठीक है। वो कहते हैं कि वे क्या है, एक तरह से मंचकिंस है। मंचकिंस मीन्स क्या होते हैं, एक छोटे से लड़की को या छोटे सा लड़का होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मंचकिंस। ओके। तो वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पे तुम्हारा घर है वो जमीन मेरा है। They were nice to her but could not tell her how to get back home. वे काफी अच्छे थे लेकिन उन्होंने हमें नहीं बताया कि हम किस तरह से अपने घर वापस जा सकते हैं। A good witch has what the munchkins said the powerful wizard. इसके बाद से उसके पास जादू था बेसिकली, जो मुंचकिंस थी वह एक पावरफुल विजार्ड मतलब एक पावरफुल जादू कहती है कि द ग्रेट ओज मतलब तुम्हें ग्रेट ओज से मिलना पड़ेगा। माइट बी एबल टू हेल्प, हो सकता है जो ग्रेट ओज है वो तुम्हारी मदद कर सके तुम्हारे घर वापस जाने में या तुम्हारे घर वापस लौटने में। सो इसलिए डोरोथी एंड टोटो सेट ऑफ ऑन देयर जर्नी टू द मिट ओज। इसके बाद जो डोरोथी होती है और उसका कुत्ता जिसका नाम टोटो होता है, वो दोनों अब यात्रा पर निकल जाते हैं ओज से मिलने के लिए। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, There was a great cornfield beyond the fence and not far away Dorothy saw a scarecrow. यानी चलते चलते एक जगह पहुंचती है डोरोथी जहां पे एक खेत होता है, कॉर्नफील्ड होता है, जहां पर मक्के लगे हुए होते हैं। ठीक है। और वहां पे चारों तरफ जो खेत होता है उसको घेरा हुआ होता है और वहां पे एक स्केयरक्रो देखती है। स्केयरक्रो मीन्स होता है एक पुतला होता है जो कि कौवे के भगाने के काम आते हैं। ठीक है। उसको बोलते हैं स्केयरक्रो। ठीक है। तो उस खेत में स्केयरक्रो भी था क्योंकि वहां पर ढेर सारे कौवे पक्षियां भी आती होंगी कॉर्न यानी भुट्टा या मक्का को खाने के लिए, तो इसलिए वहां पर एक पुतला रखा हुआ था ताकि उसके डर से जो पक्षियां हैं उसके खेत में ना आए। ठीक है। प्लेस हाई ऑन द पोल टू स्टॉप बर्ड्स फ्रॉम द ईटिंग द राइप कॉर्न्स। उसको क्यों लगाया हुआ था, जो स्केयरक्रो थे इसलिए लगाया गया था क्योंकि वो डरा सके कि जो पक्षियां हैं जो कौवे हैं वो उसके खेत में ना आ सके पके हुए राइप कॉर्न को खाने के लिए। ठीक है। रेस्टिंग हर चिन अपॉन हर हैंड्स डोरोथी लुक्ड केयरफुली एट द स्केयरक्रो। ठीक है। इसके बाद से जो डोरोथी होती है वो काफी केयरफुली से उस पुतले को देखती है। इट हैज इट्स हेड वॉज ए स्मॉल सैक फील्ड विद द स्ट्रा, यानी जो उस पुतले का सर होता है बेसिकली एक तरह से भूसे से यानी एक तरह से स्ट्रा होता है नीचे से वो भरा हुआ रहता है। ठीक है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं पुतला किस तरह दिख रहा है, तो इसी का वो वर्णन कर रही है डोरोथी की, वो पुतला किस तरह से दिख रहा था। ठीक है। नोज एंड माउथ वर पेंटेड ऑन द मेक इट लुक लाइक अ फेस, और उसके जो मुंह जो था वो पेंट किया गया था, उसके आंखें बनाए गए होते थे हुए रहते थे, फेस बनाया गया रहता था। ठीक है। बनाया गया था उस पर कि जो एक फेस की तरह दिखे। ठीक है। एन ओल्ड पॉइंटेड ब्लू हैट ऑफ द मंचकिंस वाज द स्केयरक्रोस हैट, और उस पुतले के ऊपर क्या था, एक कौन से कलर का था, एक मतलब ब्लू कलर का टोपी भी था। ठीक है। कैप भी था, इसके बारे में वो डोरोथी बता रही है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, देन आफ्टर एन ओल्ड फेडेड ब्लू स्वीट ऑफ क्लॉथेस वॉज फिल्ड विद स्ट्रा टू मेक द स्केयरक्रो बॉडी। ठीक है। इसके बाद से जो स्केयरक्रो था बेसिकली इसकी बॉडी बनाने के लिए ब्लू कलर का कपड़ा इसको पहनाया गया था। ठीक है। इसका हाथ भी बनाया गया था जिस तरह से आप देख सकते हैं पुतला बनाया गया था। ठीक है।
और इसके बाद होता है ऑन देयर फीट सम ओल्ड बूट्स विद ब्लू टॉप्स, यानी उसके जो बूट्स थे वो भी ब्लू कलर के थे, ब्लू टॉप्स था, ठीक है। एंड सच एवरी मैन वर इन दिस कंट्री एंड द स्केयरक्रो वाज रेस्ट अबव थिन सिस्टम ऑफ कॉर्न बाय द पोल स्टक अप इट्स बैक, और यहाँ पे एक पोल लगाया हुआ था इसके पीछे कि इसको खड़ा किया जाए, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पोल लगाया गया है पीछे से कि इस इमेज में आप इसको देख सकते हैं, मतलब किस तरह से इसको लगाया गया है, ठीक है। देन वाइल डोरथी वाज लुकिंग एट द स्ट्रेंज पेंटेड फेस ऑफ द स्केयरक्रो, यानी जो डोरथी थी बेसिकली बहुत ही ध्यान से उस पुतले को देख रही थी और उसके फेस को देख रही थी कि उस किस तरह से उसको बनाया गया है। सी वाज सरप्राइज्ड टू सी वन ऑफ हिज आई वाज स्लोली विंक एट हर, यानी वो देख कर हैरान हो जाती है, जो इस पुतले का आंख होता है क्या होता है, विंक यानी पलक झपकता है, ठीक है, इसका जो आंख होता है। सी थॉट सी मस्ट हैव बीन मिस्टेकन, उसने सोची, जो डोरथी होती है वो सोचती है कि शायद ये मेरी गलती है, शायद मैंने उसको सही से नहीं देखा होगा, पुतला कैसे चल सकता है, ऐसा सोचती है, ठीक है। नॉन ऑफ द स्केयरक्रो हैड बीन सीन बिफोर हैड इवर विंक्ड, यानी वो सोचती है लड़की कि मैंने इस तरह का पुतला कभी भी नहीं देखा कि जो कि पलक झपका सके, ठीक है। बट देन द स्केयरक्रो नॉट टू हर इन अ फ्रेंडली वे, इसके बाद से क्या होता है, फ्रेंडली वे में जो पुतला होता है अपने सर को हिलाता है, ठीक है। देन आफ्टर क्या होता है, डोरथी वॉक्ड अप टू द व्हाइट टोटो एंड रन अराउंड द पोल एंड बार्क्ड, इसके बाद जो उसका कुत्ता होता है इसके पीछे जाता है और चारों ओर घूम के क्या करता है, भौंकने लगता है, ठीक है। वो सोचता है कि आखिर में कैसे ये चल सकता है। इसके बाद से कहता है गुड डे सेड स्केयरक्रो, इसके बाद वो पुतला कहता है गुड डे, यानी काफी अच्छा दिन है। डू यू स्पीक आस्क द गर्ल इन वंडर, आश्चर्य में लड़की कहती है कि ओ तुम बोल सकते हो। सडनली आंसर द स्केयरक्रो हाउ डू यू डू, इसके बाद से वो जो पुतला होता है पूछता है उस लड़की से हाउ डू यू डू, तुम कैसी हो। आई एम प्रेटी वेल थैंक यू रिप्लाई डोरथी पोलाइटली, इसके बाद से वो लड़की कहती है कि आई एम प्रेटी वेल, मैं काफी अच्छी हूँ धन्यवाद, रिप्लाई डोरथी पोलाइटली, मतलब विनम्रतापूर्ण जो लड़की थी उस पुतले को रिप्लाई किया यानी जवाब दिया हाउ डू यू डू, इसके बाद वो भी पूछती है हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो। सो इसके बाद वो पुतला कहता है आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं ठीक नहीं हूँ, सेड द स्केयरक्रो, इसके बाद वो पुतला कहता है कि मैं ठीक नहीं हूँ विद स्माइल, स्माइल से कहता है, ठीक है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। इसके बाद बिकॉज इट्स वेरी बोरिंग प्लेस प्लेस्ड ऑफ हियर टू स्केयर अवे क्रो ऑल द डे लॉन्ग, इसके बाद से वो पुतला कहता है उस लड़की से मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, दिन भर मैं कौवे को क्या करता रहता हूँ, भगाते रहता हूँ। कैंट यू गेट डाउन आस्क्ड डोरथी, यानी डोरथी कहते क्या तुम नीचे नहीं आ सकते हो। नो दिस पोल इज स्टक ऑन माई बैक, इसके बाद से पुतला कहता नहीं मैं नीचे नहीं आ सकता हूँ, जो ये पोल लगा हुआ है मुझे क्या हुआ उसमें स्टक यानी फंसा के रखा हुआ है, इसलिए मैं उसमें नीचे नहीं आ सकता हूँ। इफ यू विल प्लीज टेक अवे द पोल, अगर कृपया करके आप क्या करो ये जो पोल लगा हुआ है इसको दूर कर दो। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं काफी एहसान मंद हूँ तुम्हारा अगर तुम ऐसा कर दोगे, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है, डोरथी लिफ्टेड द स्केयरक्रो ऑफ द पोल बीइंग स्टॉप्ड एंड इट्स वाज क्वाइट लाइट, यानी जो पुतला था काफी हल्का था। क्या करती है वो लड़की जो होती है उसकी जो पोल लगी होती है नीचे से वो निकालती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर द स्केयरक्रो, इसके बाद स्केयरक्रो कहता है थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। व्हेन ही हैज बीन सेट डाउन ऑन द ग्राउंड आई फील लाइक अ न्यू मैन, इसके बाद से कहता है जब वो पुतला नीचे जमीन पे आ गया तो कहता है कि मैं बिल्कुल एक अच्छे आदमी की तरह क्या कर रहा हूँ, मैं एक नए आदमी की तरह लग रहा हूँ, ठीक है। डोरथी वॉज पजल्ड एट दिस, जो डोरथी थी वो बेसिकली उसका सर चकरा गया था, पजल हो गई थी, मतलब इस तरह से क्या हो रहा है मेरे साथ। फॉर इट साउंडेड स्ट्रेंज टू हियर हर स्टॉप मैन स्पीक, इस तरह का साउंड वो सुन के काफी आश्चर्य हो गई थी कि क्या पुतला भी बोल सकता है। एंड टू सी हिम गो एंड वॉक अलोंग बिसाइड सर, और ये भी देखकर वो हैरान हो गई, जो पुतला था वो चारों तरफ घूम भी रहा था लड़की के, ठीक है। हु आर यू आस्क्ड द स्केयरक्रो, एंड यू व्हेन ही हैड स्ट्रेच हिमसेल्फ एंड यॉन्ड एंड वेयर आर गोइंग, इसके बाद जैसे ही वो पुतला यान मतलब जमाई लेता और पूछता है कि वेयर आर गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो, ठीक है। एंड हु आर यू, मतलब तुम कौन हो, वेयर आर गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो, आखिर मैं तुम कौन हो। माई नेम इज डोरथी सेड द गर्ल, इसके बाद वो लड़की कहती है कि मेरा नाम है जो है डोरथी है, आई एम गोइंग टू इमरलाइट सिटी, ठीक है, आई एम गोइंग टू इमरलाइट सिटी टू आस्क द ग्रेट ओस टू सेंड बैक टू माई होम, मैं पूछने जा रही हूँ इमरलाइट सिटी की जो ओज है कि मैं किस तरह से अपने घर फिर से वापस जा सकती हूँ, ठीक है। वॉट इज इमरलाइट सिटी ही इंक्वायर्ड, वो पूछता है आखिर में इमरलाइट सिटी क्या है, वेयर इज द इमरलाइट सिटी, मतलब इमरलाइट सिटी कहाँ पर है, एंड हु इज ओज, एंड ओज कौन है,
Why don't you know? She asks unsurprised. उसके बाद वो पूछ ले कहती है कि तुम नहीं जानते हो? No indeed. नहीं मैं सचमुच नहीं जानता हूँ. I don't know anything. मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ. You see, I'm stubborn, so I have no brains at all. He answers sadly. उसके बाद वो sadly आंसर देता है पुतला कि I'm stubborn. मतलब एक मैं समान हूँ. I have no brain. मेरे पास ब्रेन नहीं है. ऐसा पुतला कहता है. ठीक है. Oh sad Dorothy. इसके बाद कहती है Dorothy. Oh. I'm awful sorry for you. मुझे बहुत दुख है. ठीक है. Do you think she asked if go to the Emerald City with you that Oz would give me some brains? ठीक है. इसके बाद वो लड़की कहती है क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? अगर तुम चलोगे Emerald City तो हो सकता है Oz है तुमको तुम्हारा ब्रेन यानी वापस कर दिया, तुम्हारा ब्रेन भी दे दे. ठीक है. आई कैन नॉट टेल, she replied. यानी उसने कहा कि आई कैन नॉट टेल, मैं उसे नहीं बता सकती. बट यू मे कम विद मी, अगर तुम आना चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो. पुतला कहता है, लड़की कहती है पुतला से अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो आ सकते हो. इफ यू लाइक, इफ वोज विल नॉट गिव यू एनी ब्रेंस, यू विल रिमेन द सेम एज यू आर नाउ. अगर ऐसा होता है कि तुम ओज के पास जाते हो और वो तुम्हें तुम्हारा दिमाग नहीं देता है, ठीक है, तो तुम पहले की तरह ही रहोगे. इससे कोई भी तुमको फर्क नहीं पड़ने वाला है. ठीक है. इसके बाद से क्या होता है? That's true, said the scarecrow. इसके बाद वो पुतला कहते हैं हाँ ये तो बात सही है. You see, he continued. यानी वो कहता है चलो अब हम लोग चलते हैं. I don't mind my legs and arms and body being stuffed. इसके बाद वो कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि जो मेरी बॉडी है और मेरी हाथ है क्या होगा, एक तरह से स्टफ है. ठीक है. यानी एक तरह से सामान है, ये क्या है, जीवित नहीं है. बिकॉज आई कैन नॉट गेट हर्ट, मैं मुझे चोट भी नहीं लग सकती है. इफ एनीवन स्टेप ऑन माय टोस और स्टिक टू पिन टू मी, इट्स डजंट मैटर. अगर मुझे कोई पिन से भी कोंचता है या चुभाता है, ठीक है, तब भी मुझे कोई कुछ भी हर्ट नहीं होगा. फॉर आई कॉन्ट फील इट, मैं कोई भी कुछ भी महसूस नहीं कर सकता हूँ. बट आई डू नॉट वॉन्ट टू पीपल टू कॉल मी अ फूल, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी पीपल मुझे बेवकूफ कहे. ठीक है. एंड इफ माई हेड स्टेड स्टव विद स्ट्रा इंस्टेड ऑफ विद ब्रेन्स एज योर्स इज हाउ एम आई एवर टू नो एनीथिंग्स. यानी तुम जानती हो कि जो मेरा ब्रेन है बेसिकली एक स्ट्रा मतलब एक डंडे से मतलब नीचे से लगा क्या किया गया था, उसको रखा गया था, तो मैं कैसे जान सकता हूँ. हाउ यू टू नो एनी थिंग्स, मैं कैसे किसी के बारे में जान सकता हूँ. सो आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, सेड द लिटिल गर्ल्स. इसके बाद छोटी सी लड़की वह कहती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रहा होगा. हु वाज ट्रूली सॉरी फॉर हिम, इफ यू विल कम विद मी आई विल आस्क वोस टू डू कैन फॉर यू. यानी अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मैं वो से कहूंगी जो भी तुम्हारा मतलब तुम्हारे लिए कर सकता है वो जरूर करेगा. थैंक यू, ही आंसर ग्रेटफुली. यानी उस पुतले ने कहा थैंक यू. दे वॉक बैक टू द रोड. वे दोनों कहाँ चले गए, एक रोड पे पहुंच गए. Dorothy helped him climb over the fence and they started along with the yellow bricks road of Emerald City. इसके बाद से वे क्या करते हैं, खेत के किनारे जाते हैं. वहां पे एक चारों तरफ छड़ दीवारी लगी होती है. चले ठीक है. वहां पे क्या करते हैं, घेरे से कूद कर वो लोग रोड पे आते हैं और वहां पे खड़े यानी एक येलो ब्रिक यानी एक मतलब ब्रिक की रोड बनी हुई होती है. ठीक है. यानी एक ईंट की रोड बनी होती है, उससे इमरलैंड सिटी की तरफ जाना लोग शुरू कर देते हैं. टोटो डिड नॉट लाइक दिस एडिशंस टू पार्टी एट फर्स्ट. बेसिकली जो टोटो था यानी उसका कुत्ता था उस लड़की का, वो उसको पसंद नहीं करता था. ही स्मेल्ड अराउंड द स्टब मैन एज इफ ही सस्पेक्टेड देयर माइट बी अ नेक्स्ट फोर्ट्रेस इन द स्ट्रा. यानी वो जो कुत्ता था उसको शक कर रहा है कि हो सकता है जो उस आदमी के अंदर हो सकता है कि स्ट्रा जो लगा हुआ था, ठीक है, उसमें हो सकता है कि किसी भी चूहे हुए का कोई खोता हो या कोई घोसला हो. ठीक है. ही एंड ग्रोवल्ड इन द अनफ्रेंडली एंड वे टू द स्केयर क्रो. और वह क्या कर रहा था, वो जो कुत्ता था स्केयर क्रो से क्या कर रहा था, अनफ्रेंडली बिहेव कर रहा था. ऐसा कर रहा था जैसे कि उसको कुछ भी जानता ही नहीं है. ठीक है. डोंट माइंड टोटो, सेड Dorothy टू हर न्यू फ्रेंड्स, ही नेवर बाइट्स. ठीक है. इसके बाद वो समझाती है कि ये मेरा फ्रेंड है, कुत्ता जो है मेरा फ्रेंड है, ये कभी भी किसी को नहीं काटता है. ओ आई एम नॉट अ फ्रेंड, रिप्लाई द स्केयरक्रो. इसके बाद वो पुतला कहता है कि ओ मैं डरा नहीं हूँ. हाउ कैंट हर्ट द स्ट्रा, डू लेट मी कैरी द बास्केट फॉर यू. इसके बाद कहता है कि कोई भी मुझे हर्ट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कुछ भी फील नहीं होता है. चलो लाओ तुम मेरी बास्केट को यानी अपने बास्केट को मुझे दो, मैं तुम्हारे लिए इसको लेकर चलता हूँ. आई शैल नॉट माइंड इट फॉर आई कॉन्ट गेट टायर्ड, मैं कभी भी नहीं थकता हूँ, मैं इसको ले जा सकता हूँ. आई टेल यू सीक्रेट, मैं तुम्हें एक सीक्रेट यानी एक रहस्य बताऊंगा. ही कंटिन्यू एज ही वॉक्ड अलॉन्ग, जैसे ही वो मतलब चलते गए. ठीक है. देयर इज ओनली वन थिंग्स इन द वर्ल्ड आई एम अफ्रेड फॉर. इसके बाद वो पुतला कहता है कि
देयर इज ओनली वन थिंग्स वर्ल्ड आई एम अफ्रॉड ऑफ, मैंने एक दुनिया में एक ही चीज है जिससे मैं डरता हूँ। व्हाट इज दैट, आस्क्ड डॉरोथी द मंचिंग फार्मर हु मेड यू। इसके बाद लड़की कहती है कि व्हाट इज दैट, क्या है आखिर में जो मंचिंग फार्मर हु मेड यू, मतलब जो छोटा सा किसान था जो तुमको बनाया उससे तुम डरते हो। नो आंसर एट द स्केयरक्रो, इट्स अ लाइटेड मैच, यानी जो इसके बाद जो पुतला होता है वो कुछ भी आंसर नहीं देता है। एक तरह से क्या होता है, एक तरह से क्या होता है, एक दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वीडियो होती है समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।